मोदी की गारंटी बनी भजनलाल के लिए चुनौती। अपने ही सीएम की टेंशन बढ़ा रहे हैं मोदी के वादे। मोदी के खोखले दावे भजनलाल के लिए बने मुसीबत का पहाड़। क्या संभाल पाएंगे बात या खड़े कर देंगे अपने दोनों हाथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। राजस्थान में बीजेपी ने सरकार तो बना ली, लेकिन मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले तो पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की वजह से मुख्यमंत्री का चुनाव बीजेपी के लिए गले की फांस बन गया था, और अब धीरे धीरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादे भी नए मुखिया भजनलाल के लिए मुसीबतों का पहाड़ बनते जा रहे हैं। यशस्वी पीएम नरेंद्र मोदी वादे तो कर लेते हैं, लेकिन उन्हें निभाना भूल जाते हैं। चुनावी सभा में मंच से बड़ी बड़ी बातें करने वाले मोदी जिस राज्य में जाते हैं वहां वादों की झड़ी सी लगा देते हैं, लेकिन ये पूरे कैसे होंगे इनका कोई अता पता नहीं होता। बाद में उस राज्य के सीएम को ही सुनना पड़ता है। मोदी सारा ठीक रहा सीएम के सिर पर फोड़ देते हैं। राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पीएम नरेंद्र मोदी ने मंच से अपराध मुक्त राजस्थान के सपने दिखाए और कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर कहा कि बीजेपी के राज्य में अगर कुछ ऐसा होता तो तुरंत सजा दे दी जाती। सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपराध पर दिया गया राजस्थान में यह बयान सुनवाते हैं। जो कांग्रेस सरकार जान माल की सुरक्षा नहीं कर सकती उसको हटाना बहुत जरूरी है। आप मुझे बताइए, जो उदयपुर में हुआ वैसी कभी आपने कल्पना भी की थी? जिस राजस्थान ने दुश्मन पर भी धोखे से वार न करने की परंपरा को जिया है, उस राजस्थान की धरती पर इतना बड़ा पाप हुआ। कपड़े सिलाने के बहाने लोग आते हैं और बिना डर बिना खौफ के टेलर का गला काट देते हैं और वीडियो बनाकर गर्व से वायरल कर देते हैं। कांग्रेस सरकार को उसमें भी वोट बैंक की चिंता सताती है। राजस्थान की वीर धरा की कैसी छवि कांग्रेस ने दुनिया के सामने प्रस्तुत की है? कोई भी तीज त्योहार राजस्थान में शांति से मना पाना संभव नहीं है। कब दंगे भड़क जाए, कब कर्फ्यू लग जाए, कोई नहीं जानता। सामान्य जन को जीवन की चिंता, व्यापारी को व्यापार की चिंता और कामगार को काम की चिंता, ये माहौल कांग्रेस ने राजस्थान में बना दिया है। इस विकास विरोधी माहौल को बदलना ही होगा। दंगाई हो, अपराधी हो, उसे भाजपा सरकार ही ठीक कर सकती है और ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। इसलिए लोग कह रहे हैं कि भाजपा आएगी। राजस्थान में बढ़ता अपराध और बिगड़ती कानून व्यवस्था विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा रही। बीजेपी सत्ता पर काबिज होने के बाद कामयाब तो रही, लेकिन अब यही अपराध बीजेपी के लिए चुनौती बन सकता है, और वो कैसे आपको विस्तार से बताएंगे, क्योंकि एनसीआरबी के जो ताजे आंकड़े आए हैं उससे तो यही साफ हो रहा है कि अब भजनलाल की मुसीबतें बढ़ सकती है। एनसीआरबी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक महिला अपराध में राजस्थान तीसरे नंबर पर है। देश के सबसे असुरक्षित शहरों में राजस्थान की राजधानी जयपुर पहले नंबर पर है। जयपुर में दिल्ली से भी ज्यादा अत्याचार के मामले सामने आए हैं। विधानसभा चुनाव में पार्टी ने इसी अपराध के खात्मे के लिए मोदी की गारंटी सामने आई थी। अब सरकार भी बन गई है और प्रदेश के मुखिया भजनलाल ने अपना काम भी शुरू कर दिया है, लेकिन मोदी का ये वादा नए सीएम के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि अब राजस्थान अपराध के मामले में बेहद आगे पहुंच चुका है। महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार के मामलों में जयपुर दिल्ली से भी आगे है। जयपुर में पिछले साल प्रति लाख में से 239 महिलाएं अत्याचार की शिकार हुई, जबकि दिल्ली में प्रति लाख में से 187 महिलाओं पर अत्याचार हुए। देश में 19 प्रमुख शहरों का औसत 90.1 था। पिछले साल जयपुर में 3,479 महिलाओं ने अपराध के मामले दर्ज करवाए।
राजस्थान में 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 45,000 से ज्यादा केस दर्ज हुए थे। हर दिन करीब 123 महिलाएं अत्याचार का शिकार हुई हैं। वहीं जो बीजेपी हर मंच से यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर बातें बघारती है, हर राज्य में उसी मॉडल के नाम पर वोट भी बटोरती है, वही यूपी महिला अपराध के मामले में टॉप पर है। यूपी में पिछले साल 65,734 मामले दर्ज हुए, महाराष्ट्र में 45,331 मामलों के साथ दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र रहा, राजस्थान तीसरे पायदान पर है। राजस्थान में महिला अत्याचार के करीब 45,058 मामले सामने आए, पश्चिम बंगाल चौथे नंबर पर है, पांचवें नंबर पर मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में 32,765 मामले दर्ज हुए। अब बीजेपी और नए सीएम के लिए राजस्थान एक नई चुनौती है। अब देखना होगा कि इस चुनौती को बीजेपी और भजनलाल कैसे पार कर पाते हैं, क्योंकि जो वादे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए और जिन वादों के बिसात पर उन्होंने ये सत्ता हासिल की है, क्या उन वादों को पूरी कर पाएगी ये सरकार, ये देखना होगा। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।